इतिहास में आज कक्षा 12वीं अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग की आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक जो राजनीतिक जीवन अनेक परिवर्तन हुए, कुछ परिवर्तनों ने सामाजिक कालीन समाज का अपना प्रभाव छोड़ा है। उदाहरण के लिए जब वन क्षेत्र में कृषि विस्तार हुआ, वहाँ रहने वाले लोग जीवन शैली बदल गई और साथ में सिर्फ विशेषज्ञों के सामयिक समूह का उदय हुआ। संपत्ति में असमान वितरण में सामाजिक विषमताओं को जन्म दिया। उसी के अंतर्गत जब हम इतिहासकार प्रक्रिया को समझने के लिए साहित्य परंपराओं का उपयोग करते हैं, ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं, साथ ही साथ इस ग्रंथ में सामाजिक व्यवहार के मापदंड तय करते हुए अभिलेखों से समाज के ऐतिहासिक अभिलेख की जगल में। सबसे पहले ये देखेंगे बंधुत्व क्या है। बंधुत्व मतलब जो हम भाईचारा के साथ एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, जिसमें महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण है, जिसके अंतर्गत 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पीएस सुखथांकर ने नेतृत्व महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की और इसने विद्वानों ने मिलकर समालोचना संस्करण तैयार किया। इसको प्रारंभ में देश में विभिन्न भागों में अनेक लिपियों में लिखी गई और महाभारत की संस्कृतियाँ पांडुलिपियों में एकत्रित हुई। इसे तैयार करने के लिए कम से कम 1300 पृष्ठों में फैले हुए अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया है और इसको तैयार करने के लिए 47 वर्ष लगे थे। फिर है बंधुता एवं विवाह, मतलब जो बंधुता था, जो रिश्तेदारी थी, उसके साथ साथ विवाह, विवाह के लिए उस समय क्या भिन्नताएं थी, उन लोग कैसा व्यवहार करते थे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे पारिवारिक के विषय में जानकारी। तो कई बार ऐसा होता है पारिवारिक जीवन में सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उसमें परिवारजनों की गिनती होती थी, एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता और क्रियाकलाप में भी भिन्नता होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो एक साथ रहते थे। और एक ही परिवार के लोग भोजन अन्य संसाधन का प्रयोग भी आपस में मिल बांट कर ही करते थे और एक साथ काम करते थे, अनुष्ठानों में भी साथ मिलकर पूरा कार्य करते थे। यह परिवार जो है एक बड़े समूह का हिस्सा होता था, जिसमें तकनीकी भाषा का प्रयोग संबंधियों जाति गत समूह कह सकते हैं, जिसमें पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक रूप से रक्त संबंध के माने जाते थे। जिसको कि जाति समूह इसलिए कहा जाता था कि जब हम चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, भाई बहन हैं, जिनको खून का रिश्ता है, ये सारी चीज़ें जो मिलकर, ये सब लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और समाज ही जो है बंधुता संबंधी विचारों को विश्लेषण भी करते हैं। इसों से ये पता चलता है कि उस समय जो लोगों क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा और जो व्यवहार के विचारों पर भी असर डाला होगा। फिर है परिवार और बंधुत्व के लिए प्रयुक्त शब्द। उस समय कुल शब्द का प्रयोग जो है परिवार के लिए किया जाता था और जाति शब्द का प्रयोग जो है बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते थे। जैसे कई बार कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें एक कुल के लोग सारे परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर है पितृवांशिक व्यवस्था के आदर्श, मतलब उसमें पितृवांशिक व्यवस्था उस समय थी, जैसे कि कौरव और पांडव, हम इस चैप्टर में ज़्यादातर महाभारत के बारे में ही सुनने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे कौरव और पांडव के बीच जो है भू की सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण मिलता है, आप लोगों ने नाटकों में भी देखा होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, जिसमें कि कौरव और पांडव में आपस में सिर्फ भूमि व सत्ता के लिए ही लड़ाई हुई थी, जिसमें पांडव विजय हुए थे और वह पितृवांशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया था। पितृवांशिक महाकाव्य की रचना पहले से भी मौजूद थी, कथा वस्तु के अनुसार भी आदर्श से मजबूत किया, जिससे पितृवांशिक का पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उन संसाधनों का अधिकार जमा सकते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि यदि पुत्र के ना होने पर भी दूसरे भाई के बच्चे जो होते थे वे उत्तराधिकारी का हक रखते थे और यदि किसी बांधवानिक सिंहासन का अधिकार करते थे, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी प्रभावती गुप्ता सत्ता का उपयोग करती थी, क्योंकि यदि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यदि पुत्र नहीं है तो उस समय पुत्री को उसका अधिकार दिया जाता है। चित्र के अनुसार भी इसमें आप देखेंगे कि कहां कहां नगर थे और पांचाल क्षेत्र का विकास था। फिर है विवाह के नियम। उस समय पितृ आगे बढ़कर अपने पुत्र महत्वपूर्ण माना जाता था और व्यवस्था में पुत्रियों को अलग रूप में देखा जाता था, जिसमें पैतृक संसाधनों पर उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता। विवाह के समय भी कई प्रकार थे, जैसे अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में व्यक्ति का संबंध जो है समूह के मध्य ही होते थे, जिसे एक गोत्र या कुल अथवा जाति एक ही स्थान पर बसने वालों का होता था।
बहिर्विवाह गोत्र के बाहर विवाह करते थे। फिर बहुपत्नी प्रथा थी, जिसमें कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता था उस समय। राजा महाराजा जो होते थे उनकी ज़्यादातर अनेक पत्नियां भी होती थी। फिर बहुपति प्रथा, एक स्त्री की अनेक पति होने की पद्धति भी मिलती है, जिससे कि उदाहरण है द्रौपदी। फिर स्त्री का गोत्र, स्त्री का गोत्र भी उस समय जो होता था वह सिर्फ विवाह के बाद स्त्रियों को अपने पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सातवाहन राजाओं की बहुपत्नी प्रथा के अंतर्गत अनेक पत्नी थी, जिससे ये माना जाता है कि उनकी जो रानियां थी वह विशेष तौर पर कई एक ही गोत्र की थी, जिसमें कि इसमें गौतम और वशिष्ठ गोत्रों के निकले हैं, जिसमें यह पता चलता है विवाह के बाद भी पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था है अपेक्षित था, और पिता का गोत्र भी अपनाए हुए रखा हुआ था। फिर हम देखेंगे कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। उस समय सातवाहन राजाओं ने उनके मातृ नाम का उद्भव हुआ, जिसमें चिन्हित किया गया कि प्रतीत होता है कि उस काल में माताएं महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि राजाओं ने संदर्भ में यह जानकारी भी है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी जो पितृवांशिक भी होता था, मतलब उस समय माताएं महत्वपूर्ण होती थी लेकिन पितृवांशिक उत्तराधिकारी भी होता था। फिर है सामाजिक विषमताएँ। सामाजिक विषमताएँ जिस तरह से कि उस समय सामाजिक व्यवस्था जो की गई थी उनको चार वर्णों में बांटा गया था, जिसमें क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र। इसमें उनकी जीविका क्या थी, तो ब्राह्मण का कार्य होता था वेदों की शिक्षा कराना, ज्ञान देना, यज्ञ कराना और उनसे काम लेना। फिर क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना और देश को सुरक्षा प्रदान करना, वेद पढ़ना, न्याय करना, दान दक्षिणा देना व यज्ञ करना। फिर आखिर के तीन कार्य वैश्यों के लिए थे, जिसमें कृषि, गौ सेवा पालन या व्यापार करना जो था वो वैश्य के कार्य थे। फिर शूद्रों का जो कार्य होता था वह सिर्फ इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही कहा गया है, जिसमें कि एक देवी व्यवस्था भी माना गया है कि उस समय बोलते हैं कि आदि मानव पुरुष की बलि का जो चित्रण मिलता है वह जगत में सब चारों वर्णों में विद्यमान है। फिर है अक्षत्रिय राजा। हमने कई बार देखा है कि सिर्फ राजा वही बन सकता है जो क्षत्रिय होगा, लेकिन हमने देखा है कि कई जैसे चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था वह क्षत्रिय नहीं था। शास्त्रों के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय भी हो सकते थे, लेकिन वर्णों में जो हुई है मौर्य वंश जो है विशाल साम्राज्य में शासन किया और उद्भव हमेशा बाद में विवाद होता रहा है। कई लोग उसे क्षत्रिय मानते थे, कई उसे ब्राह्मण मानते थे, इस तरह से उसमें विवाद होता रहा है। लेकिन राजस्व जो था क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता। फिर जाति और सामाजिक गतिशीलता, फिर जाति और सामाजिक गतिशीलता भी उस समय बहुत ज़्यादा जटिल बनी हुई थी, जिसे शब्द जाति जटिलता स्पष्ट होती है। ब्राह्मण सिद्धांत के वर्ण में जाति को जन्म पर आधारित थी, वहाँ चार वर्ण मात्र चार थे, जिसमें जातियों की निश्चित संख्या नहीं थी। मतलब जो वर्ण व्यवस्था जो की गई थी वह यहाँ पर ब्राह्मण ने सिर्फ उसको जन्म पर आधारित बना दिया, लेकिन जबकि वह जन्म पर आधारित नहीं थी। यहाँ पर यह व्यवस्था इसलिए की गई कि जो जिस जाति का था या जिस वर्ण में काम करता था वह परंपरा अनुसार उस कार्य को करता चला गया, और साथ ही साथ वह वही कार्य करते पितृ मतलब व्यवसाय जो है लगातार एक ही व्यक्ति करता चला गया और उसके वंशज भी करते चले गए। इस तरह से वो उसी जाति का बन गया। फिर उनका जाति वर्गीकरण जो किया गया, वे जातियाँ जो एक ही जीविका आत्म व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था, जिस तरह से अभी हमने बताया। फिर चार वर्णों से परे एकीकरण। इसमें देखिए उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं के कारण ऐसे समुदाय रहे हैं जहाँ पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे संस्कृत साहित्य में जब इस प्रकार के समुदायों का वर्णन आता है तो उन्हें कई प्रकार असभ्य, विचित्र, पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के लिए जो शिकार व कंदमूल संग्रह करना जीवन यापन या महत्वपूर्ण साधन है, जैसे निषाद वर्ग से एकलव्य जुड़ा था, इसी का उदाहरण। जिस तरह से एकलव्य जो था निषाद वर्ग का था, शूद्र वर्ग का था, जिसमें कि ब्राह्मणों ने सिर्फ शिक्षा जो था क्षत्रिय और ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस वजह से जब पता चला कि उसे एकलव्य भी शिक्षित है, वह अच्छा धनुषधारी है, तो उस समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह वादा किया था कि तुमसे अच्छा धनुर्धर कोई नहीं है, इसलिए उनने एकलव्य से अंगूठा ले लिया था। फिर चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। मतलब जो अधीनता और संघर्ष था वह
पुराने काल से चली आ रही, जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली है। पाहर मानते थे कि साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों के अस्पर्श घोषित कर दिया था और विषमता को और अधिक प्रखर बना दिया था, जैसे कि कर्म और अनुष्ठानों के संपादन जुड़े हुए पवित्र मानते थे और स्वयं को पवित्र मानने वाले लोग अस्पर्शियों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। मतलब जो शूद्र वर्ग का होता था उससे वे ना ही भोजन लेते थे, ना ही उनके आसपास भटकना पसंद करते थे। पवित्रता के इस पहलू में ठीक विपरीत कार्य ऐसे थे जिन्हें दूषित माना जाता था, जैसे कि शवों की अंतिम क्रिया करना, मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था वाले समाज में विभिन्न सबसे निम्न स्थान रखा जाता था। वे लोग स्वयं को सामाजिक क्रम से संबंध में ऊपर मानते थे और इन चंडाल का स्पर्श उन्हें देखना भी वे अपवित्र मानते थे। फिर जन्म के परे, मतलब जो भी चीज़ था वह जन्म से परे था। संसाधन और प्रतिष्ठा, आर्थिक संबंध को विचार करने से पता चलता है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शिकारी, दास, मछुआरे, किसान, पशु चारण, एक ग्राम मुखिया और राजा को महाधिक हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्तर में निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर भी उनका नियंत्रण कितना है, क्योंकि उस समय जो था यह सिर्फ जन्म पर आधारित था। लेकिन उसके बाद जैसे खेती करने वाला किसान है तो उसका परिवार जो है वह इंसानों की खेती ही कर रहा है, शिकारी है तो शिकार कर रहा है, किसान है तो किसान है, शिल्पकार है शिल्पकार, मतलब इस तरह से वह उनका जीवन यापन चलता था। फिर संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न प्रकार, मतलब उस समय जो था संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार किस प्रकार है। तो संपत्ति के स्वामित्व मुद्दे पर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में कई बार उठाया गया कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो है संपत्ति का पैतृक हकदार जो है या उसके बंटवारा में पुत्र जो है समान रूप से बंटवारा किया जाता था, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र यदि विशेष भाग का अधिकारी होता था और स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, मतलब उसमें पैतृक संपत्ति में उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था, सिर्फ उनका अधिकार जो होता था जो उपहार में उन्हें मिली हुई है या उन्हें कहीं और से स्त्री धन के रूप में जो प्राप्त हुआ है। इस संपत्ति में उनकी संतान विरासत के रूप प्राप्त करती थी, इस प्रकार उनके पति का अधिकार नहीं होता था, मतलब जो स्त्री धन होता था उसमें पति का कोई अधिकार नहीं होता था। फिर वर्ण और संपत्ति के अधिकार, ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक और आधार है लैंगिक अधिकार के अतिरिक्त। वर्ण पर शूद्र के एकमात्र जीविका सेवा ऐसी थी जिससे हमेशा उनकी इच्छा शामिल होती थी और तीन उच्च वर्णों के लिए उनकी विभिन्न जीविकाओं की संभावना भी बनी रहती थी। फिर है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा जिसमें संपत्ति में भागीदारी। अब संपत्ति में किन किन का भागीदारी होता था और किस तरह से यह कार्य किया जाता था, तो परिस्थितियों का परीक्षण किया जिसमें लोगों ने संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं, साथ ही साथ इस स्थिति को प्रदान करते हैं संभावना विद्यमान थी जिसमें दानशील आदमी जो सम्मान किया जाता था और जो कृपण होता था उसको घृणा के पात्र माना जाता था या वह घृणा का पात्र बनता था। इस तरह से तमिल भाषा में एक संगम साहित्य संग्रह है जिसमें आर्थिक संबंधों का एक अच्छा चित्रण मिलता है, जिसमें धनी व निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिसमें संसाधनों पर नियंत्रण उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि मिलकर उसका उपयोग करेंगे। फिर सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध था, जैसे बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत किया था। अंतर्विधानों को नियमित रूप से संस्थाओं की आवश्यकता थी, उसके साथ साथ अपना दृष्टिकोण भी उन्होंने रखा था। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले में उन्हें देते थे, और यह दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने की मानवीय कर्म का महत्वपूर्ण योगदान था। उदाहरण, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसे परिवर्तन भी ला सकते थे, मतलब इससे संभव है कि साहित्यिक स्रोत का उपयोग। इतिहासकार और महाभारत, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं और इस बात का परीक्षण भी करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। उस समय जो था पाली, प्राकृतिक, तमिल जो लोगों की बोली हो जाती थी उसी में संस्कृत में विशेष रूप से पुरोहितों और विशेष वर्ग का प्रयोग में लाई जाती थी। इन मुद्दों और पहलुओं से मूल्यांकन करने के बाद इतिहास का ग्रंथ की विषय वस्तु के इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु भी उपयोग करते हैं, जैसे महाभारत जैसे कठिन और विशाल ग्रंथ को देखकर यह ज्ञात होता है कि यह कार्य अथवा इसकी रचना का कार्य कितना कठिन होगा। फिर भाषा और विषय वस्तु, उस समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था और किस भाषा में कई ग्रंथ जो हैं वह लिखे
गए थे। उस समय के जो महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ हैं उनकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी, और किंतु महाभारत के प्रयुक्त संस्कृत वेदों में प्रशस्तियों में संस्कृत सरल और यह संभव है कि ग्रंथ के व्यापक स्तर में समझा जाता था। फिर आरंभिक संस्कृत परंपरा के अनुसार महाभारत इस श्रेणी में रखा गया है, जिसके महाभारत में एक हुए युद्ध का स्मरण एक निश्चित रूप से नहीं कर सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अपने स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथावाचक और इस बात को दर्शाता है कि युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य की नहीं होती। मतलब महाभारत युद्ध में एक धर्म युद्ध कहा गया है, जिसमें कि एक धर्म के लिए आपस में स्वजन ही का युद्ध हुआ था। लेखक एक या कई और तिथियां। मूल कथा में रचयिता जो भाटसारथी थे उन्होंने सूत कहा है, क्षत्रिय योद्धाओं को उसमें युद्ध क्षेत्र में जाते थे और विजय की उपलब्धियां प्राप्त करते थे, उनकी कविताएं लिखते थे, उनकी वर्णन करते थे, उनके बारे में सारी जानकारियां वे लिखते थे। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति में मिलता हुआ एक उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत से जोड़े गए हैं। इन परिवर्तनों के कारण ग्रंथ में जो प्रारंभिक रूप संभवतः 10,000 श्लोकों से कम रहे होंगे, इसे बढ़कर 1,00,000 श्लोक वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा की इस बृहद रचनाकार रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। गृह कार्य। पहला प्रश्न है, बहुपत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा में क्या अंतर है, संक्षेप में लिखिए। दूसरा है, अंतर्विवाह या बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या महाभारत काल में माताएं महत्वपूर्ण थी? चंडाल किसे कहा जाता है? समाज में विभिन्न वर्णों की स्थिति क्या थी, वर्णन कीजिए।